नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हूं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के बाहर, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर, जो इस वक्त नमाजियों की भीड़ से भरा हुआ है। हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम नमाजी ऐसे हैं जो अभी ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने के बाद वापस लौट रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी से मस्जिद से बाहर निकाल कर उनके घरों के लिए रवाना किया है। एक बात जो हमें देखने को मिली है वो ये भी है कि किसी को भी ये हिदायत नहीं है कि वो मीडिया के लोगों से बातचीत करें, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। सभी बहुत कुछ सब कुछ बहुत शांति से और बहुत अच्छे इंतज़ामों में संपन्न हुआ है। तमाम नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने ये ज़रूर कहा कि वो वाराणसी प्रशासन के इंतज़ामों से संतुष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस के बहुत पुख्ता इंतज़ाम हैं, और सबसे बड़ी बात कि बनारस के लोग, जो बनारस के आम मुसलमान हैं, वो लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए हुए दिखाई देते हैं। वो ये दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कोई भी गलत बयान ना आए, किसी भी तरह की असुविधा ना हो, चाहे भीड़ कितनी भी हो, लेकिन लोगों के बीच में कोई किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं दिख रही, कोई वैमनस्य नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अभी नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर निकल रहे हैं, और ये तमाम लोग, इसमें जो भी नमाजी, आज सुबह ये भी खबर सामने आई कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सभी को मस्जिद में जगह दी गई, और उसके बाद जो लोग आए उनसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी और प्रशासन ने भी ये अपील की कि वो आसपास की मस्जिदों में या अपने घर के मोहल्लों में जाकर नमाज़ पढ़ें। और आज अब जो स्थिति देखने को मिल रही है कि नमाज़ पूरी होने के बाद सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकले हैं, किसी भी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम मीडिया के जमावड़ों के बीच किसी ने भी, बहुत मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी बातचीत नहीं की है, कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि कोई गलत फहमी किसी के मन में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग, जो भी लोग निकले हैं, हम बात करने की भी कोशिश करें कुछ लोगों से, लेकिन हम लोगों ने ये साफ देखा कि कोई भी नमाज पढ़ने के बाद कोई भी मीडिया से बात करते नज़र नहीं आया। जो लोग बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें रोका है लोगों ने कि कोई भी गलत बयानी ना हो सके और कोई भी गलत संदेश ना जाए।